तो दोस्तों मार्केट ओपन हो चुकी है और मार्केट ने ओपन होते गैप डाउन तो नहीं कह सकते, हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग दी है और एकदम रेड कैंडल बनाते हुए लगातार नीचे जा रही है। तो देखिए मार्केट लगातार रेड कैंडल बना के नीचे जा रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अगर ये थोड़ी बहुत देर सस्टेन करेगी तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बहुत नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट। गुड 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 गुड, ये सेंसेक्स रहा, ये पैक एक। चलिए देख लेते हैं, एकदम बहुत फास्ट मूव है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे वरना हमें लॉस हो सकता है। देखिए कितनी तेज नीचे जा रही है कैंडल। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ? तो चलिए दोस्तों हम 1 मिनट रुक जाते हैं। वैसे बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है कॉल साइड में, लेकिन 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये बहुत तेज ही निकल रही है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वैसे यार बायर बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं यहाँ पे। देखिए लॉस होगा तो हमें यहीं पे हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो यहीं पे हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ज़्यादा देर ना करते हुए कॉल साइड में पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, और मैं आपको रीजन बताता हूँ पोजीशन बनाने का, पहले मार्केट चल जाने देते हैं, अगर लॉस होगा तो हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें अच्छी मार्केट कहीं मिल नहीं सकती थी। थोड़ी जल्दी कर दिए तो लॉस लेने को तैयार रहना भाई साहब। 108, 100, यहां पे मार्केट मिल सकती थी, लेकिन हम क्या बताएं, मूव बहुत फास्ट था। देखिए हो सकता है हमारा एसएल चला जाए यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, मुझे नीचे बाई करनी चाहिए थी मार्केट, लेकिन क्या करें कैंडल बहुत फास्ट थी तो कर नहीं पाए। फिलहाल टारगेट मार्केट को दे देना चाहिए। बाइंग करनी चाहिए थी यहाँ पे, ये जैसी आई ना यहाँ पे, ये क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। कोई लेवल है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं है। एक बार स्पाइक दे दे ऊपर हम निकल जाएंगे बस, क्योंकि मार्केट आज थोड़ी गड़बड़ लग रही है।
यार सब वो इंडेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी गड़बड़ कर रही है। इसको तो खैर तोड़ेगी ही, नीचे आएगी। तो दोस्तों चलिए, हम बहुत सो पॉइंट 101। देखते हैं। बैंक एक्स, तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया है और बहुत ही मुश्किल से टारगेट हिट हुआ है। तो लगभग हमें यहाँ पे 100 ही पॉइंट मिलने हैं, यहाँ पे निकल लेते हैं, वरना आप ऐसे जाने वाला है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है इसमें। ठीक है, तो चलिए 100 पॉइंट पे निकल लेते हैं। हमें चाहिए भी 100 पॉइंट होते हैं, अगर एकदम स्पाइक में जाती ऊपर तो हम रुक सकते थे, वरना इस हालत में हम नहीं रुक सकते हैं। देखिए मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, देखिए मार्केट ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया, मान लो कि गैप डाउन ओपन दिया है, वैसे छोटा सा गैप डाउन था, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे रेड कैंडल, दो रेड कैंडल बनाई, और ये जो लेवल है ना, ये देख रहे हो आप 52,000 का लेवल, इसके नीचे नीचे मार्केट काम करने को सोच रही थी यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे आई, तो लोगों ने सोचा कि अब मार्केट सेलिंग में जाएगी, सेलिंग में जाएगी, लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, और इनको ट्रैप करने के लिए मैंने बाइंग साइड में ऊपर को पोजीशन बनाया, और 100 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गए। ठीक है, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी मैं ट्रेड बनाता हूँ तो मैं 100 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ, और कभी कभार मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, कभी कभार मार्केट बहिस गिर जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि 100 पॉइंट ही मिल जाए, वो बहुत है। तो जो ये सेलर थे ना, इनको ट्रैप करने के लिए ही मैंने ऊपर के लिए ट्रेड बनाया ऐसे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी होगा ये देखिए बैंक, ये बैंक एक्स है, यहाँ पे भी लगभग 150 पॉइंट मार्केट मूव कर चुकी है। आप चाहे मार्केट यहाँ से ऐसे गिर जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा था, जो यहाँ पे जैसे जब मार्केट ऐसे यहाँ पे ये रेंज में रहती है, तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो मान लो कि किसी ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, ठीक है, सेल करते ही मार्केट आ गई यहाँ पे 350 पॉइंट नीचे आ गई, वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो एक तो मेरा ये बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन था कि मार्केट ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, और दूसरी बात जो बायर है वो ट्रैप हो गए।
तो मैं यहाँ पे वैसे रुक जाता अगर ये रेड कैंडल बहुत बड़ी ना बनती, ये छोटी रेड कैंडल होती तो हम यहाँ पे जो सेलिंग करके बैठे हैं इनको टारगेट कर सकते थे। देखिए यहाँ पे एक ये सेलर बैठा है, ये इसको भी टारगेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने बहुत लंबी रेड कैंडल बना दी, इसलिए सब प्लान चौपट हो गया और हमें यहाँ पे मात्र 100 पॉइंट लेके निकलना पड़ा। ठीक है, चलने को मार्केट चली जाए ऊपर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट भी कर रही है मार्केट, और ये मार्केट बहुत खतरनाक है। जब ये बिग वाली कैंडल बनाती है तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, मिलते हैं बाद में।